हरियम मित्रों, स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ में होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों, आधा शिव पार्वती की मूर्ति बना करके छोड़े थे, उसी को हम आज वहीं से शुरू कर रहे हैं। दोस्तों यदि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इस वीडियो का खत्म आने के बाद। तो चलिए, पहले तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हाथों से, पार्वती माता की हाथ से। तो दोस्तों इसी प्रकार से आधा हाथ था उसी को दोस्तों पूरा करके जोड़ दिए हैं, तो इसी प्रकार से जोड़ देंगे और धीरे धीरे हाथ को बना देंगे इसी प्रकार से। हाथों को बना देने के बाद दोस्तों नीचे के साइड में हथेली पे थोड़ा सा मिट्टी ऐड कर देंगे और वहाँ पे दोस्तों उंगलियाँ बना देंगे कुछ इस प्रकार से, छोटा छोटा कॉइल बना करके साइज में चिपका देंगे। तो इसी प्रकार से पाँचों उंगलियाँ बना देंगे तो बन जाएगा हमारा हाथ, पूरे कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हो दोस्तों एक हाथ। और एक बात दोस्तों, थोड़ा बहुत भी हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे इसी प्रकार की मूर्ति मेकिंग वीडियो देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों हाथों को बना देने के बाद अभी बना रहे हैं साड़ी को। साड़ी को बनाने के लिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से मिट्टी ऐड करते जाएंगे साड़ी की तरह। दोस्तों थोड़ा थोड़ा मिट्टी को ऐड करेंगे स्लेब की तरह, पतला पतला स्लेब बना करके ऐड करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से ऐड करने के बाद दोस्तों उंगली में पानी भिगा करके दोस्तों यहाँ पे फिनिशिंग कर देंगे कुछ इस प्रकार से। फिनिशिंग कर देने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से टूल एक ले लेंगे। टूल की मदद से दोस्तों कुछ इस प्रकार से साड़ी का फोल्ड बना देंगे। फोल्ड बना देने के बाद दोस्तों एक ब्रश ले लेंगे। ब्रश की मदद से कुछ इस प्रकार से फिनिशिंग कर देंगे, क्योंकि उंगली से करेंगे तो ख़राब हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रश का यूज़ करेंगे ताकि अच्छे से सिंपल तरीके से हो जाए फिनिशिंग अच्छे तरीके से। तो इसी प्रकार से बना देने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से साड़ी का साइड में साड़ी का बॉर्डर भी बना लेंगे कुछ इस प्रकार से सिंपल डिज़ाइन करके। इतना बना देने के बाद दोस्तों अभी छोटा सा गणेश भगवान जी का मूर्ति बनाएंगे। उसी को बनाने के लिए दोस्तों पहले तो कुछ इस प्रकार से लंबा कॉइल बना करके पैरों को बना लेंगे पहले कुछ इस प्रकार से, एक 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 करके वहाँ पे पार्वती माता की गोद में बैठे होंगे कुछ इस प्रकार का बना रहे हैं। तो इसी प्रकार से एक एक पैर को बना करके वहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे कुछ इस प्रकार से वहाँ पे बैठे होंगे। तो दोस्तों इतना बना देने के बाद दोस्तों लड्डू की तरह एक बना दिए थे दोस्तों, उसी को लड्डू की तरह बना करके वहाँ पे पेट बना देंगे, उसी को वहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे पैरों के साथ। तो इसी प्रकार से बना देंगे, पेट और पैर हो चुका है दोस्तों कुछ इस प्रकार से। बना देने के बाद अभी बॉडी का ऊपर का पार्ट बना रहे हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से। मिट्टी को धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे और बनाते जाएंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से। इतना बना देने के बाद अभी गणेश भगवान जी का धोती को बना रहे हैं। धोती को बनाने के लिए पहले तो वहाँ पे स्लेब की तरह मिट्टी ऐड कर दिए और अभी धोती का फोल्ड को बनाने के लिए वहाँ पे टूल का यूज करेंगे, जैसे पार्वती माता की साड़ी को बनाए थे उसी प्रकार से दोस्तों वहाँ पे टूल की मदद से फोल्ड बना दें। फोल्ड बना देने के बाद अभी कमर बंधन बना रहे हैं। कमर बंधन को बनाने के लिए दोस्तों बीच में लड्डू की तरह एक छोटा सा मिट्टी का गोला को चिपका देने के बाद अभी साइड में पतला पतला कॉइल चिपका देंगे। चिपका देने के बाद दोस्तों अभी हम ब्रश लेकर के गणेश भगवान की धोती को वहाँ पे फोल्ड को फिनिशिंग कर देंगे ब्रश की मदद से। और अभी दोस्तों छोटा सा टूल लेंगे, टूल लेकर के दोस्तों गणेश भगवान की धोती का बॉर्डर को और कमर बंधन को डिजाइन कर देंगे। तो हो चुका है दोस्तों नीचे का भाग का सब कुछ तो तैयार हो चुका है दोस्तों। अभी हम ऊपर में चलते हैं। ऊपर को बनाने के लिए अभी हम हाथ को बना रहे हैं। हाथ को बनाने के लिए दोस्तों जैसे पैर को बना रहे थे उसी प्रकार से छोटा छोटा कॉइल बना लेंगे। कॉइल बना करके दोस्तों कुछ इस प्रकार से बैंड करके दोस्तों हाथ को बना लेंगे। हाथ को बना देने के बाद दोस्तों हथेली पे थोड़ा थोड़ा जैसे पार्वती माता की हाथ को बनाए थे उसी प्रकार से बना देने के बाद वहाँ पे उंगलियाँ बनाने के लिए वहाँ पे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे तो बहुत छोटा छोटा है तो इसलिए वहाँ पे उंगलियाँ बनाने के लिए कॉइल यूज नहीं करेंगे दोस्तों। वहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी चिपका करके टूल की मदद से उंगलियाँ बना देंगे।
उंगलियां बना देने के बाद दोस्तों हाथ और पहने हुए ज्वेलरी को बना देंगे जिस प्रकार से कॉइल छोटा छोटा कॉइल बना करके दोस्तों सारे तरफ ज्वेलरी को बना देंगे। सारे ज्वेलरी को बना देने के बाद दोस्तों अभी हम बना रहे हैं गणेश भगवान जी की फेस के। फेस को बनाने के लिए दोस्तों कुछ मिट्टियाँ लेकर के बेल बेल के लड्डू की तरह बना देंगे। लड्डू की तरह बना देने के बाद छोटा सा कॉइल बना करके दोस्तों गणेश भगवान जी के सूंड को बना देंगे। इसी प्रकार से धीरे धीरे आग बनाने के जगहों पे दोस्तों थोड़ा थोड़ा उंगली से प्रेस कर देंगे ताकि वहाँ पे आग को बना सके। तो इसी प्रकार से बना देंगे दोस्तों धीरे धीरे करके आग, और सब कुछ बना देने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से वहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे शरीर के साथ ज्वाइंट कर देने के बाद अभी ऊपर के साइड में बालों को बना देंगे, क्योंकि दोस्तों ये बाल गणेश बना रहे हैं। तो इसी प्रकार से ऊपर के साइड में थोड़ा थोड़ा और मिट्टी ऐड करके बाल बना देंगे दोस्तों, कुछ इस टाइप से थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड करके, और वहाँ पे दोस्तों टूल की मदद से बाल को भी थोड़ा थोड़ा कुछ इस प्रकार से बना देंगे ताकि अच्छे से रियलिस्टिक बाल की तरह दिख सके। तो इतना बना देने के बाद दोस्तों रेडी हो चुका है हमारा गणेश भगवान जी। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो दोस्तों और जो भी है और नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे तथा थर्ड पार्ट में, क्योंकि ये तो दो पार्ट हो चुका है दोस्तों। आई होप कि आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे, और वीडियो को शुरू से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।